हेलो दोस्तों, क्या आपके रिस्ट पे स्वेलिंग हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉल जैसी स्वेलिंग रिस्ट पर क्यों हुई है? अगर हाँ तो इस पूरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए। मैं आपको बता दूंगा कि रिस्ट पे स्वेलिंग क्यों होती है, इससे क्या दिक्कत आ सकती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और ऑर्थोपेडिक्स की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रिस्ट पे जो स्वेलिंग होती है इसे डॉर्सल रिस्ट गैंग्लियन कहा जाता है। रिस्ट पर ये स्वेलिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि रिस्ट के जो टेंडन्स होते हैं उनकी चिकनाई के लिए उनमें एक स्पेशल प्रकार का ग्रीस या चिकनाई वाला तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। कभी कभी जब हम बहुत जोर से कोई काम करते हैं तो ये तरल पदार्थ हर्निएट हो जाता है, यानी कि गांठ बन के रिस्ट पे दिखने लग जाता है। इसको हम दबाते हैं तो दर्द होता है और ये जो स्वेलिंग है मटर के दाने से लेकर थोड़ी बड़ी तक हो सकती है। पेशेंट इस स्वेलिंग को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मेरे इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई, कल को ये कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है या फिर फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जब वो कोई काम करते हैं जैसे भारी काम, स्पेशली जैसे पुशअप करना या सब्जी काटना, आटा लगाना, तो इस स्वेलिंग में तेज दर्द भी हो सकता है। दोस्तों, ये स्वेलिंग बिल्कुल भी डरने वाली चीज़ नहीं है, इसे डॉर्सल रिस्ट गैंग्लियन कहा जाता है। गैंग्लियन जो स्वेलिंग है दोस्तों, इसकी साइज बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, इसलिए आप इस बात की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये बहुत बड़ी हो जाएगी और खराब लगेगी। ज़्यादातर ये स्वेलिंग अपने आप ही कुछ दिनों में दवाई से अपने आप सेट हो जाती है। कुछ लोगों में ये दवाई से सेट नहीं होती तो उसमें इंजेक्शन की सहायता से इसके अंदर के जो फ्लूड है उसको निकाला जा सकता है और उसके द्वारा ये दब जाती है। इंजेक्शन के द्वारा जब इस फ्लूड को निकाला जाता है तो साथ में हाइलेज इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है ताकि दोबारा से इसके अंदर ये स्वेलिंग ना बन जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें कि इंजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता और ये स्वेलिंग बार बार होती रहती है। अगर ये स्वेलिंग इंजेक्शन के बाद भी सफलतापूर्वक नहीं निकल पाती और दोबारा हो जाती है तो इसे आप सर्जरी द्वारा निकलवा सकते हैं। सर्जरी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही छोटी सी सर्जरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टाँके आते हैं उसमें ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। 10 मिनट से भी कम टाइम में ये सर्जरी पूरी हो जाती है। इसे डॉर्सल रिस्ट गैंग्लियन एक्सीजन कहा जाता है। दोस्तों, सर्जरी के बाद ये स्वेलिंग दोबारा कभी नहीं होती और पूरा आराम आ जाता है। 100, 200, 300, 400 लोगों में कभी कभी एक चांस ये रहता है कि सर्जरी के बाद भी ये स्वेलिंग दोबारा हो सकती है, तो ऐसे में इसे दोबारा निकालना पड़ सकता है। तो अगर आपके रिस्ट पे स्वेलिंग हो गई है तो आप घबराएं नहीं, पहले एक एक्सरे करवाएं। अगर एक्सरे नॉर्मल है और ये स्वेलिंग इस प्रकार की दिख रही है जैसी कि इमेज में लगाई गई है तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, पेन किलर दवाई ले सकते हैं, उससे कुछ दिनों में ये बैठ जाएगी। अगर ये नहीं भी बैठती है तो आप डरे ना, ये कोई तकलीफ नहीं देती है। अगर आपको कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम है कि ये दिखने में खराब लग रही है तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आप सुई के इंजेक्शन द्वारा या फिर छोटी सर्जरी के द्वारा इसको निकलवा सकते हैं। ज़्यादातर जो स्वेलिंग है दोस्तों वो यंग फीमेल्स में 17 से लेकर 30 साल की उम्र में मैंने देखी है और ज़्यादातर मैं इसको सर्जरी नहीं करवाने की ही सलाह देता हूँ। यदि फिर भी आप इसके बारे में बॉदर कर रहे हैं या फिर उसमें पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप सहन नहीं कर पा रहे तो लास्ट ऑप्शन के रूप में स्वेलिंग की आप सर्जरी करवा सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि पेन किलर से ही आपका काम चल जाए। अगर आपको इस स्वेलिंग के बारे में और कोई क्वेश्चन है, आपके भी ऐसी स्वेलिंग हुई है, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी ओपिनियन होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा भी हमारे जो कोई और इन्फॉर्मेशन के आपको कोई वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए।